सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 12 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की तेजी दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 16 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर नीचे में एक अहम सपोर्ट लेवल है 15 रुपए पर। 15 रुपए पर स्टॉक के अंदर इस पॉइंट पर एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। यहीं से स्टॉक ने इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद एक ऊपर में बाउंस बैक दिखाया, ऊपर 17 रुपए 70 पैसे का हाई बनाएगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर फिर से एक करेक्शन देखने को मिल रही है। स्टॉक अब एक रेंज जोन में ट्रेड करना शुरू कर चुका है क्योंकि ऊपर में 17 रुपए 70 पैसे पर एक रुकावट रेंज है, नीचे में स्टॉक के अंदर एक अहम सपोर्ट लेवल है 15 रुपए पर। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 15 रुपए 15 पैसे पर एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 17 रुपए 70 पैसे और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को 20 रुपए तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 17 रुपए 70 पैसे के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल होता है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।